लिए तय आए थे कि भाई यूजर चार्जेस ना लगाए जाए। हमें एमएलए साहब ने कहा है कि जब तक सुविधाएं हम उपलब्ध नहीं कराते नगर निगम, तब तक यूजर चार्जेस को थोपा नहीं जाएगा रुड़की नगर वासी। बिल्कुल जाती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में सब कुछ अच्छा है वहाँ तो देना चाहिए ना। तो मुझे पता है चोर कहाँ गया आज? ये सारे चोर बैठे अधिकारी यहाँ जी। यूजर चार्ज को लेके नगर निगम जो है वो ट्रोल किया जा रहा था कि आखिर यूजर चार्ज को खत्म कर देना चाहिए। भाजपा वाले कहते हैं कि मेयर की मनमानी है, वो मेयर मनमानी कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी कहते हैं ये भाजपा की मनमानी है, लेकिन ट्रोल जो है वो नगर निगम हो रहा है। आज कांग्रेस के सभी लोगों ने अच्छा खासा सड़क से लेके प्रदर्शन किया था यहाँ पर, और काफी घंटे बहस भी चली है यहाँ पर, काफी देर चर्चा चली है, लेकिन अभी जानना होगा कि यूजर चार्ज जो है खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। सचिन गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद है, आशीष सैनी जी मेरे साथ मौजूद है, सभी लोग मौजूद हैं। तो सचिन गुप्ता जी ये बताइए, यूजर चार्ज को लेके जिस तरह नगर निगम को ट्रोल किया गया और काफी घंटे तक यहाँ चर्चा चली है, क्या निष्कर्ष क्या निकला? देखिए पहले तो मैं रुड़की आपकी तरफ से एक चीज़ बताऊं, ये कार्यक्रम कोई भी कांग्रेस का नहीं था, ये रुड़की नगर निवासियों का था। आप देख सकते हैं यहाँ के रुड़की की जनता है, मैं भी रुड़की की जनता के तहत सचिन गुप्ता यहाँ खड़ा हूँ, ना कि प्रदेश महामंत्री कांग्रेस की तरफ से। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पर जो घेराव करा, जो यहाँ पर हमने MNS साहब से बात करी है, वो इस बात की करी है जो अवैध वसूली यूजर चार्ज के नाम पर की जा रही है लोगों से, वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। उसके लिए MNS साहब ने हमें गारंटी दी है, जब तक वो सुविधाएँ, मूल सुविधाएँ कूड़ा निस्तारण से लेकर जल भराव तक की नहीं करते, तब तक यूजर चार्ज वसूली नहीं करे जाएंगे। दूसरा, जो यूजर चार्ज वसूली करने के लिए इन्होंने मातृशक्ति महिलाओं को इसमें नियुक्त किया है, हमने उनका भी विरोध करा है, उसका प्रस्ताव ऑलरेडी इस नगर निगम के अंदर हमारे पार्षदों द्वारा घेरा जा चुका है। उन्हें 25% किस बात के लिए आप दे रहे हैं? आप अपने कर्मचारियों से क्यों नहीं कर रहे? जब जल संस्थान वगैरह अपनी रसीद काटते हैं और वो अपनी वसूली करते हैं, तो आप हमारे 100 रुपए लेके 25 रुपए उन्हें किस बात के दे रहे? एक बात और बताएं सचिन गुप्ता जी, यूजर चार्ज के पीछे क्या कारण है? आपको क्या लगता है किसके मनमानी चल रही है, या यूजर चार्ज लेना अनिवार्य हो गया है कि कूड़ा उठाने के लिए? पैसा तो नहीं, कूड़ा घर में से उठाया जा रहा है, गाड़ी बाहर से लेके जा रही है, तो आपको क्या लगता है यूजर चार्ज के पीछे क्या कारण? ये पूरी मनमानी नगर निगम की है, पूरी मनमानी जो है यहाँ के अधिकारियों की, मेयर की, और यहाँ के जो पार्षद, जो आप एक बात, यहाँ नेता प्रतिपक्ष कौन है? नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी नेता जो उसका क्या नाम पार्षदों के नेता है वो बीजेपी से हैं, उसके बावजूद वो नहीं आवाज उठाने को तैयार हो रहे हैं, खाली माइक पे आके कहना, कहने लगे जी हम खिलाफ हैं। आज क्यों नहीं है वो रुड़की नगर वासियों के साथ यहाँ खड़े हुए? उन्हें हल्ला मचाना चाहिए इस बात को, लेकिन वो अपने घरों में बैठ के खाली माइक पे बोल देते हैं हाँ हम खिलाफ हैं। इन्होंने केवल प्रस्ताव जो गिराया वो इस बात का गिराया कि 25% जो वसूली करी जा रही है वो अवैध है, उसे ना करी जाए। इन्होंने ये प्रस्ताव रखा ही नहीं आज तक कि हम यूजर चार्ज नहीं लगने देने के, जो MNS साहब कह रहे हैं। जी क्या कहेंगे यूजर चार्ज के पीछे आपको क्या कारण लगता है? भ्रष्टाचार है, मनमानी चला रहा है नगर निगम अपनी? देखिए निजी क्षेत्र की जो पार्टनरशिप के साथ कूड़ा से बिजली बनाने का जो प्लांट सालियर में लगा है, ये उसके भ्रष्टाचार की छाया नगर निगम पर है। रुड़की के MNA, रुड़की के मेयर, रुड़की के पार्षद, मैं कह रहा हूँ यहाँ के विधायक और सांसद, ये सारे इसमें संलिप्त हैं। किसी एक ने भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई और इसको लागू कराने में शामिल रहे। दूसरा, यूजर चार्ज को वसूलने का जो तरीका है, जिन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के नाम पर नियुक्ति दी गई है, ना तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, ना ही कोई वैधानिक नियुक्ति हुई है। 25% कमीशन के लालच में MNA और बड़े अधिकारी खुद गुंडागर्दी कर रहे हैं लोगों के साथ, बदतमीजी कर रहे हैं। 25% का लालच, सबको 25% का लालच है। उस 25% की लूट कैसे रुड़की के शहर के ऊपर थोपी जाए, ये यूजर चार्ज का बेस है। दूसरा, जो हमारे से टैक्स वसूला जाता है, उसमें 4 सुविधाएं नगर निगम को देनी होती है, जिसमें सड़क व्यवस्था है, सफाई है, प्रकाश पथ है और पीने का पानी है। पूरे शहर के अंदर इतने टॉयलेट्स बने हुए हैं, किसी में पानी नहीं है, पीने का पानी कहीं उपलब्ध नहीं है। जो घरों में नल आता है, सिर्फ 30% लोग पानी पीते हैं नगर निगम का, और सड़कों की हालत इतनी ख़राब है और गड्ढे और इतनी कमीशन से इतनी बुरी हालत हो चुकी है। रुड़की के अंदर फुटपाथ चलने लायक नहीं है, ट्रैफिक लाइट 6 साल से बंद है, और यहाँ तो कब से उठाया जा रहा है, लेकिन सब कह रहे हैं
लेकिन बेशरम अधिकारी इस नगर निगम के दरवाजे पर बैठकर ये कहते हैं कि यूजर चार्ज वसूलना उनका अधिकार है और जियो का अधिकार है। इन अधिकारियों की बेशर्मी है और ये जनता की नाराजगी इनके ऊपर ऐसे टूटेगी कि इनकी बेशर्मी बाहर होगी और यदि इस तरह के कालो कानूनों को जनता ने MNA को बाकायदा जवाब दिए हैं, पूरी मेडिकल एसोसिएशन ने जवाब दिए हैं और आपके फोटो और वीडियोज में आप दिखाएंगे इस बात को। केवल सचिन गुप्ता को दिखाने से काम नहीं चलेगा, आप हकीकत दिखाइए। विधायक का काम था ये काम करना, लेकिन आपके विधायक परिवर्तन घर में बैठे बैठे अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे आके प्रदर्शन करने का या इससे आज मेयर भी सामने नहीं आ रहा है। मेयर के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं, क्यों नहीं लगाए जाएंगे? सबके लगाए जाएंगे। जो जनप्रतिनिधि इस मुहिम में साथ नहीं होगा जनता के, उसके मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, सड़कों पे लगेंगे और जनता जो है लगाएगी इस बात पे। हमारा ये कहना है रुड़की नगर निगम के जो ऑफिशियल अधिकारी है वो नगर आयुक्त है। मैं सभी जनता की तरफ से, क्योंकि जनता में क्या है, संगठन है व्यापारियों के भी, अलग अलग जगहों के भी, हमारा साफ कहना है कि नगर आयुक्त मुर्दाबाद, मेयर मुर्दाबाद, सांसद मुर्दाबाद, रुड़की का विधायक मुर्दाबाद। धन्यवाद वंशी जी। पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि रुड़की जब नगर पालिका हुआ करती तो आप जनता को क्या सुविधा देते थे? नगर पालिका से नगर निगम बनी और आपने निगम के टैक्स बढ़ा दिए तो आपने सुविधा क्या बढ़ाई? और उसके बाद आपने जो यूज़र चार्जेस लगाया है ये एक काला कानून है। जैसे दिल्ली में मोदी जी ने काला कानून लाए थे, ऐसे धामी जी उत्तराखंड में लिए हैं, जिसका MNA साहब ने कहा कि हमारे पास जियो है और जियो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है। तो हम शहर की जनता, रुड़की शहर की जनता इस काले कानून के खिलाफ धरना देंगे और ये यूज़र चार्ज नहीं लगने देंगे। एक ही नारा है, ये यूज़र चार्ज नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्या कहेंगे मानसी जी? मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आप रुड़की हब के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये कार्यक्रम विरोध आंदोलन जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पे मैंने अभी देखा बहुत से कांग्रेसियों ने भाजपा के ऊपर कटाक्ष किया, तो मैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग रुड़की नगर निगम की जनता के लिए इकट्ठे हुए हैं और जो यूजर चार्ज को लेकर यहाँ पे इतना आंदोलन हो रहा है। अभी MNA सर से बात होने के बाद में MNA सर ने ये कहा है कि जब तक हम लोग सुविधा जनता को नहीं देते, हम लोग आप लोगों को टैक्स वसूलेंगे नहीं, जो अपना यूजर चार्ज है उसको यूजर चार्ज को हम लोग आपसे नहीं लेंगे। मैं रुड़की हब के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और जनता से निवेदन करता हूँ कि यूजर चार्ज आपको लाभ देना नगर निगम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और आप है ना जो सुविधाएं आपको नगर निगम दे रहा है उसके माध्यम से वो आपसे हाउस टैक्स वगैरह वसूलता है, तो यूजर टैक्स एक अतिरिक्त चार्ज है, इसको आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर उसके बावजूद भी नगर निगम आपसे यूजर टैक्स वसूलता है तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और भूख हड़ताल पर भी बैठा जाएगा। देखिए, कुछ अभी लोग यूज़र चार्ज को लेके आए थे, उनका स्पष्ट कहना था कि जब तक सुविधाएं नहीं हमारे मिलेंगी तब तक हम यूज़र चार्ज नहीं देंगे। मैंने स्पष्ट किया कि नगर निगम जो व्यवस्थाएं दे रहा है उनके अंतर्गत जो भी शिकायतें होंगी उनका 2 दिन के अंदर निस्तारण कर लिया जाएगा और सुविधाएं हमारी बढ़ाई जाएंगी। उसके क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3 महीने के अंदर हमने नगर निगम क्षेत्र में 15 गाड़ियां बढ़ाई हैं और सभी वार्डों में आज की तारीख में गाड़ियां चल रही हैं। जहाँ पर रिक्शे डेढ़े नहीं थे उनको रिक्शे डेढ़े दिए गए हैं। कर्मचारियों की संख्या हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें हमने सुधारी हैं और जो भी कमियाँ हैं वो भी तत्काल उनमें सुधार कर लिया जाएगा। सर, वो कह रहे हैं कि जो सुविधा जब तक नहीं मिल पाएगी शहर वासियों को तब तक यूजर चार्ज नहीं लगाने दिया जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा है, नगर निगम जो सुविधाएं दे रहा है वो सभी जानते हैं और जहां पे सुविधाएं मिल रही हैं सभी उससे अवगत हैं। रोज़ आपको हमारे कर्मचारी सड़कों पे दिख जाएंगे सफाई करते हुए, वो सभी के संज्ञान में है। कमियों की बात हुई है, जो कमियां हैं उसको सुधारा जाएगा। जो जलभराव वाले क्षेत्र हैं, जो निचले जलभराव वाले क्षेत्र हैं, वर्षा ऋतु में उनमें जलभराव होता ही है क्योंकि वो निचले क्षेत्र हैं, लेकिन उसके लिए भी नगर निगम लगातार प्रयासरत रहता है, टैंकर भेज के टैंकर के माध्यम से उनका निष्कासन करता है। उसके अतिरिक्त नाली के जो पानी है उसका भी निष्कासन के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। सीवरेज यहाँ पे बना हुआ है, जल निगम उस पर काम कर रहा है। तो ऐसा कहना गलत है कि सुविधाएं नहीं है, नगर निगम लगातार सुविधाएं दे रहा है, उन सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जो भी हो सकता है अगले 2 दिनों में उसका नतीजा आपको दिखाई देगा।